अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैथमेटिक्स का, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर्स, आई गेस 8 से 10 लेक्चर जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होंगे और फिर इंशाल्लाह हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने जो मेन पोर्शन होते हैं जैसे फंक्शंस का पोर्शन हो गया, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हो गया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये जो बड़े बड़े पोर्शन थे प्री कैलकुलस के अंदर वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जरा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप देखो ना तो हर चीज की रीजन होती है कि वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, जरूरत क्यों महसूस हुई है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस बढ़ाने के लिए आपको टॉपिक नहीं पढ़ाए गए, कोई रीजन के तहत पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप नंबर्स की बात करो तो अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट यह था कि आपके नंबर आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जब आपकी मैथ आहिस्ता 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 इंक्रीज हो रही थी, टॉपिक बढ़ते जा रहे थे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास काउंटिंग नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स, फिर अलजबरा की वजह से इंटीजर्स आए, नेगेटिव नंबर्स आपके पास आगे, वरना पहले पॉजिटिव थे, फिर सिर्फ इंटीजर्स थे आपके पास, रैशनल नंबर ने आके वो भी जगह पूरी कर दी कि फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं। अच्छा उसमें रूट टू पाई ये वाले नंबर नहीं थे तो फिर इरेशनल नंबर ने आके वो जगह भी पूरी कर दी, तो आपके पास रियल नंबर्स आ गए पूरे। लेकिन स्टिल ऐसा मसला हुआ है कि आपके पास कुछ ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं जिनके सॉल्यूशन रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और सबसे बेसिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अलजेब्रा के जरिए से आप नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे थे जैसे इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हो और इसका सॉल्यूशन मालूम करना चाहते हो तो इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता था? फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, जब आपको सॉल्व करना है प्लस माइनस लगाओगे, स्क्वायर रूट लोगे दोनों तरफ। अब अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहोगे तो इसका सॉल्यूशन कोई भी रियल नहीं होगा, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इसका आंसर हो। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता था? स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं 36 का स्क्वायर रूट क्या है, तो स्क्वायर रूट का मतलब आंसर में आपको क्या मिलता था? आंसर में आपको वो नंबर मिलता था जिसका स्क्वायर 36 है, मतलब 6 आपको आंसर में मिलता था। अब आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है, इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे लिख रहे हो 25 तो स्क्वायर रूट में आपको आंसर 5 मिलेगा। क्यों? 25 किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको यहां पे -1 दे दूं, अब -1 किसका स्क्वायर है? पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब नेगेटिव स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं थे। नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो उसका सॉल्यूशन रियल नहीं आएगा। तो अलजेब्रा में जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगते हो तो आप तो स्टक हो जाओगे, आप कहोगे इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट्स व्हाई इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वो कॉन्सेप्ट ये है कि यार ये जो पूरी वैल्यू है इसको हमने लेट कर लिया कि ये आई के बराबर है। वेयर आयोटा क्या होता है, ये कौन सा सिस्टम है, इनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये हमारी इमेजिनेशन है, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करते नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है। वो जस्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करते। आयोटा की कोई वैल्यू नहीं है, रूट माइनस वन की कोई वैल्यू नहीं है, 4.2 4.5 की कोई वैल्यू नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपने इनको यूज करते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फिर हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है प्लस माइनस आयोटा। आयोटा के अंदर ही खास बात है कि जब आप इसका स्क्वायर, क्योंकि देखो आयोटा की वैल्यू जो है वो है स्क्वायर रूट माइनस वन, तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आंसर क्या होगा, माइनस वन। तो जैसे हमने बोला था ना कि 25 का रूट 5 है, क्यों? क्योंकि जब मैं 5 का स्क्वायर करता था तो 25 आ गया। इसी तरह हम बोलेंगे कि यार जो माइनस वन है ना इसका रूट आयोटा है, क्यों? क्योंकि जब मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूं तो माइनस वन आता है। तो यहां से आपने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट माइनस वन, और ये इन इक्वेशन के सोल्यूशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर बात की जाए आयोटा की पावर की तो ये भी आपको आना चाहिए। आयोटा, पहली बात आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, अगर आप आयोटा क्यूब निकालोगे तो माइनस आयोटा होगा, आयोटा 4 निकालोगे तो वो 1 होगा। अब आयोटा 4 से कोई भी, मतलब आयोटा की पावर 4 से ग्रेटर कोई भी पावर आ रही है उसको बस आप 4 की फॉर्म में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पे एग्जांपल दूं कि मालूम करो आयोटा की पावर 256, तो आपने जस्ट ये देखना है कि 256 के टेबल में 4 आता है क्या। अगर चेक करो
256 आता है नखल में 4 के टेबल में, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 254 कर लेते हैं। तो अगर आप देखो अब ये 4 के टेबल में नहीं आता, तो 254 से नीचे आ जाओ, 253 भी नहीं आता, 252 आता है 4 के टेबल में, और कितने टाइम आता है 63 टाइम आता है, 64 टाइम आता है, नहीं देख लेते हैं एक सेकंड। तो हम इसको लिखेंगे आयोटा की पावर 4, मतलब इसको अलग कर लो आप, आयोटा की पावर 252 इंटू आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता 252 जो है वो 4 के टेबल में आता है। अब हम क्या करेंगे, 252 को अलग किया, स्क्वायर को अलग किया, 252 को कैसे लिख सकते हो, 252 को अगर आप लिखना चाहो तो आप कह सकते हो आयोटा की पावर 4 और 63 लिख दोगे, क्योंकि 4 को जब हम 63 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 252 आता है। अब आपको पता है आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, 1 की पावर 63 कर दो, 1 को क्या आंसर होगा, आंसर 1 ही आएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आपके पास नीचे बचेगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर। तो कोई भी हायर पावर आ जाए आपको कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको 4 की फॉर्म में ब्रेक करो और जो रिमेनिंग पावर हो उसको आप साथ लिख दो, मतलब पावर्स आपने ब्रेक किए हैं। और ये कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर कोई आयोटा की ऐसी पावर है जो 4 के टेबल में आती है तो आंसर 1 होगा उसका। जैसे आयोटा की पावर 252, अगर मैं ये वाला स्टेप ना करता ना, मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर 1 लिख देता, क्योंकि 252 4 के टेबल में आता है, तो जब भी आयोटा की ऐसी पावर होगी जो 4 के टेबल में आती है उसका आंसर 1 होता है। इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1, वेयर 4n का मतलब मल्टीपल ऑफ 4, n यहां पे क्या हो सकते हैं, n यहां पे आप इंटीजर ले लो कोई भी, तो आप यहां पे कोई भी इंटीजर पुट करोगे, फॉर एग्जांपल 2 पुट कर रहे हो तो 8 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 12 हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -8। तो आयोटा की पावर -8 कैसे निकालोगे, अगेन कॉन्सेप्ट तो वही है ना, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 8 और -1 बाहर लगा दो आप, अब आयोटा की पावर 8 क्या होगी, 1 की पावर -1 1 ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आयोटा की पावर में आपको 4 ऐसा नंबर जो 4 का टेबल के 4 के टेबल में आता हो, या सिंपल लैंग्वेज में 4 का मल्टीपल हो, तो उस पे आयोटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें देखनी है। अच्छा अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो अब सीन ये है कि यहां तक तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया, अब मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूं। फॉर एग्जांपल आप लेट करो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, आप इसको लेट करो, अब अल्जबरा है, आप अल्जबरिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको वैल्यूज निकालनी है, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप वैल्यूज निकालोगे इसकी तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 9 को उधर ले जाओ -9, फिर आप क्या करोगे स्क्वायर रूट लोगे, तो यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस और आपको -9 का स्क्वायर रूट लेना है। अभी -9 का स्क्वायर रूट लेना हमें आता है क्योंकि हमने इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस कर लिया, अब तो मसला नहीं है। कैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, प्रॉपर तरीका तो ये होता है कि आप 9 को -9 को इस तरह ब्रेक करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, अलग अलग कर लो इसको, फिर जो -1 रूट है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, आयोटा के बराबर होती है। तो करेक्ट मेथड ये होगा इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल -9 का स्क्वायर रूट है तो आप माइनस की जगह पे आयोटा लिख दो, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो हम 3 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा। अब अगर आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 को चले जाते हैं, ये एक्स की वैल्यू आ रही है, मतलब एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक होगी -1 प्लस 3 आयोटा, एक होगी -1 माइनस 3 आयोटा। अब सवाल ये है कि ये कौन सा नंबर है, सॉल्यूशन तो आपने लिख लिया लेकिन ये नंबर है कौन सा, क्यों ये इमेजिनरी नहीं है, जहन में रखो इसको, आप इमेजिनरी नंबर नहीं कहोगे। इमेजिनरी नंबर की जनरल फॉर्म ये होती है, इमेजिनरी नंबर की जनरल फॉर्म होती है बी आयोटा, वेयर बी कोई भी नंबर हो सकता है, बी कोई भी रियल हो सकता है, जैसे 2 आयोटा, -3 आयोटा, √2 आयोटा, 1/4 आयोटा, ये सारे इमेजिनरी नंबर है। आयोटा के साथ कोई भी रियल नंबर आया हुआ ना तो वो जस्ट वो इमेजिनरी नंबर कहलाया जाएगा। अब उसके साथ अगर आप किसी रियल नंबर को ऐड करोगे तो वो इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाया जाएगा, ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है और ना ही ये रियल है, रियल के अंदर आयोटा तो आ नहीं सकता। तो फिर हमने इसको डिफाइन किया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हमने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर रियल नंबर आ रहा होता है, जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर आ रहा होता है, रियल नंबर प्लस या माइनस इमेजिनरी नंबर, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो जो आपको नजर आ रहा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका सॉल्यूशन जो है ये कॉम्प्लेक्स आया आपके पास। जनरल फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है, पहली बात कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली जेड से आप रिप्रेजेंट करते हो, जनरल फॉर्म होती है ए प्लस बी आयोटा, या आप इसको एक्स प्लस वाई आयोटा भी लिख सकते हो, ज्यादा ये यूज करना ग्राफ में भी आपको हेल्प होगी।
या तो हम ए बी यूज करते हैं, हम एक्स वाई यूज करते हैं, कोई बात नहीं है, यूज करने का मसला है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म, ठीक है, जिसमें एक्स जो है ये क्या कहलाता है, ये है रियल नंबर, और जिसमें वाई आयोटा क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी का। अच्छा बिलफर्स, अगर इमेजिनरी नंबर में जो वाई है, या इस वाले केस में आप बी की बात कर लो, अगर ये जीरो हो जाए तो जस्ट रियल बच जाएगा, मतलब इफ बी इज इक्वल टू जीरो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जेड इज इक्वल टू ए, तो ये खाली रियल नंबर बच जाएगा। इसका मतलब जितने रियल नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने रियल नंबर है वो सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, इसमें जस्ट बी जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर बी जीरो हो जाए तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बिलफर्ज, अगर आपके पास यहाँ पे ए जीरो हो जाए तो पीछे क्या बचेगा, बी आयोटा। तो इसको हम बोलते हैं प्योर इमेजिनरी, इसको प्योर रियल भी बोल सकते हैं, लेकिन रियल के साथ प्योर का वर्ड यूज नहीं कर रहे थे नॉर्मली, इसको हम बोलेंगे प्योर इमेजिनरी, क्योंकि असल में था थ्री आयोटा प्योर इमेजिनरी, ये माइनस वन ने आके ना मसला खराब किया था। तो अगर रियल पार्ट आप खत्म कर दो, अब जो पीछे बचेगा प्योर इमेजिनरी नंबर बचेगा, ठीक है। तो यहां से हमने एक बात सीखी, जितने भी इमेजिनरी नंबर है, इमेज नंबर के अंदर आता क्या, अगर आप वेन डायग्राम इसकी बनाओ ना इमेजिनरी नंबर की, तो इस टाइप की होगी। ये कंसीडर कर लो कि ये है सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की वेन डायग्राम हम बना रहे हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ होंगे आपके पास रियल नंबर, रियल नंबर, फॉर एग्जाम्पल टू, माइनस टू, रूट टू, वन अपॉन रूट टू, पाई, ई, जितने भी नंबर आपने जिंदगी में देखे ना अभी तक आयोटा के अलावा, सब रियल ही होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जिसमें आयोटा आ गया, टू आयोटा, थ्री आयोटा, रूट टू आयोटा, वन अपॉन एट आयोटा, आयोटा के साथ कोई भी रियल नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दो ना इस फॉर्म में, तो क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी भी आते हैं। लेकिन अगर किसी को वेन डायग्राम आती है, मैंने क्लास में बताई भी थी अपने पुराने लेक्चर्स में, तो वेन डायग्राम में ऐसा नहीं है कि अगर आप रियल और इमेजिनरी का यूनियन लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हैं जो ना रियल है ना इमेजिनरी है, वो इसी टाइप के ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में है, मैं लिख रहा हूं माइनस वन प्लस थ्री आयोटा, अभी ऐसा नंबर है जो ना रियल है ना इमेजिनरी है। तो आप इसको इस तरह समझो, कॉम्प्लेक्स जितने भी रियल है वो सब कॉम्प्लेक्स है, जितने भी इमेजिनरी है वो सब कॉम्प्लेक्स है, और कुछ ऐसे भी नंबर है जो रियल भी नहीं है इमेजिनरी भी नहीं है लेकिन आप उनको कॉम्प्लेक्स बोलोगे, वो इस टाइप के नंबर्स हैं, ना ये रियल है ना ये इमेजिनरी है लेकिन उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो अगर आप नंबर्स की ट्री डायग्राम बनाना चाहो ना, तो सबसे टॉप पे है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल भी आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी भी आ जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तीसरी कैटेगरी भी आ सकती है इन नंबर्स की, ठीक। फिर रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करो तो वो इंटीजर, होल, रैशनल, इरेशनल बन जाएगा, और इमेजिनरी नंबर को फर्दर आप क्या डिवाइड करोगे, इमेजिनरी नंबर इसी फॉर्म में होते हैं और जीव क्लासिफिकेशन में। तो ये थोड़ा मेन आइडिया आपको मिल गया, नंबर्स कहां से आए, क्या सिस्टम है, हर चीज पूरी हो गई है। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता दिए, नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं, और इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखते हैं ना, मतलब या तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिखो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, इस तरह भी आप लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो x कॉमा वाई, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर x यहां पे क्या है, x यहां पे है r e z, बताऊंगा r e z का मतलब क्या है, और y है यहां पे i m z, ठीक है। r e z का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल जो था ना वो आप लिखोगे ऑर्डर्ड पेयर में, फिर आप कॉमा लिखोगे और फिर आप दूसरा नंबर लिखोगे, दूसरा नंबर क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। यहां पे एक चीज नोट कर लो, एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी नंबर में आयोटा भी आता है, ये इमेजिनरी नंबर है, बी आयोटा मतलब टू आयोटा, थ्री आयोटा, माइनस फोर आयोटा, ये इमेजिनरी नंबर है। अगर आपको बोला जाए इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ये होता है जो आयोटा के साथ लिखा होता है, जैसे ये जो बी है ना खाली बी जो है, इसको आप क्या बोलोगे, बी को आप बोलोगे इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ लिखा है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर वाली नोटेशन है, इसमें आप इमेजिनरी पार्ट लिखते हो, इमेजिनरी नंबर नहीं लिख रहे होते आप, ठीक है। तो आई एम जेड का मतलब इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि वाई है, और आर ई जेड का मतलब रियल पार्ट, रियल पार्ट बोलो या रियल नंबर बोलो एक ही बात है, वो है एक्स यहां पे। तो आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर की इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
या आप इसको कार्टेशियन फॉर्म भी कह सकते हो, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी दो और पढ़ोगे, एक पोलर होगी एक एक्सपोनेंशियल होगी, इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये नहीं होता जैसे रियल नंबर लाइन होती है उस पर आप रियल नंबर्स को ड्रॉ करते हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक लाइन के ऊपर इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पूरा ग्राफ चाहिए जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट को, मतलब वो दोनों लाइन जो है, दो लाइन आपको चाहिए जो आपस में 90 डिग्री बना रही हो, एक पे आप रियल और एक पे आप जो इमेजिनरी पार्ट जो है वो आप ड्रॉ करोगे। तो उस वाले प्लेन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, या उसका एक नाम है साइंटिस्ट के नाम पे, उसको हम बोलते हैं आर्गन डायग्राम। तो इस डायग्राम के ऊपर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और इसमें सिस्टम ये होता है कि जो एक्स एक्सिस होता है ये रियल एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है उसको आप अलोंग एक्स एक्सिस और इमेजिनरी को अलोंग वाई एक्सिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेंडम एग्जाम्पल दे देता हूं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू 2+3 आयोटा, जिसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 2, 3, ठीक है। 2, 3 का मतलब अगर आप एक्स एक्सिस रियल जो है वो 2 है इसका, तो 1, 2, और इमेजिनरी जो है वो 3 है, 1, 2, 3, तो ये कहीं यहां पे पॉइंट आएगा। तो जैसे आप नॉर्मल ग्राफ पे ड्रॉ करते थे वैसे ही ड्रॉ करोगे, लेकिन अब मतलब इनके डिफरेंट है, समझना डिफरेंट है कि जो इमेजिनरी है वो आपने वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया है और जो रियल है वो आपने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हो। इमेजिनरी की जो स्केलिंग है ना वो 1, 2, 3 करते हो, लेकिन इसके साथ आयोटा आ रहा होता है, 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा, लेकिन आप नॉर्मली आपको 1, 2, 3 नजर आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब किसी ने ऊपर इमेजिनरी एक्सिस लिख लिया तो इसमें इंप्लाइड है कि 1 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा इसका मतलब है, लेकिन आसानी के लिए 1, 2, 3 लिख दिया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं, वो ये है कि जब भी आप किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हो ना और जिसके इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले देखा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो कभी ऐसे सॉल्यूशन आपके पास आ जाते हैं जो कि रियल नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन इस बात को याद रखना, कोई भी पॉलीनोमियल इक्वेशन है जब उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आंसर आ रहे हैं ना तो वो हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, इंशाल्लाह कॉन्जुगेट भी पढ़ लेंगे, आपको पता ही होगा, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में पेयर आते हैं आपके पास। ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है 1+2 आयोटा, नहीं, अगर 1+2 आयोटा आ रहा है उसके साथ 1-2 आयोटा भी आ रहा होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं ये, ठीक है। और ये उसी वक्त होता है जब आपकी ज्यादातर आप मतलब क्योंकि जो आपकी इक्वेशन होती है उसके कोफिशियंट रियल होते हैं, अगर रियल कोफिशियंट है ना तब उसके अंदर ये होता है, अगर कोफिशियंट रियल ना हो तो फिर अकेले अकेले भी आ सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक हम सवाल इस तरह से ले लेते हैं कि आपके पास एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है 3x³ - 11x² + 16x - 12, और आपको बता दिया जाए यार इसका एक रूट है 2, और आपने क्या करना है, फाइंड अदर्स। भाई इक्वेशन अगर आप देखो तो उसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब 3 आंसर होने चाहिए, एक आंसर आपको पता है तो बाकी 2 आंसर आपको बोला जाएगा निकालो। तो डिफरेंट मेथड होते हैं कि एक रूट से आप कैसे सॉल्व करोगे आगे, मतलब बाकी रूट कैसे आपने निकालना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। मैं आप लोगों को लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड बता देता हूं, या आप वो सिंथेटिक डिवीजन वाला भी कर सकते हो, चलो सिंथेटिक डिवीजन ही हम कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन से अगर आप करोगे तो ये सिचुएशन बनेगी, फॉर एग्जाम्पल ये आप इस 2 को यहां पे लिखोगे, ठीक है, जो एक रूट अगर आपको पता है ना तो उसको आप यहां पे लिखो और बाकी इनके कोएफिशिएंट लिखो 3, -11, 16 और -12। क्या करो, सबसे पहले 3 को कॉपी कर देते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, -11 + 6 - 5, 2 को -5 से करो -10, एड करो 6, 2 को 6 से करो 12, आंसर 0 आ रहा है। जब आंसर 0 आता है इसका मतलब वाकई रूट है इसका। ये आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, जो बचपन में आप डिवाइड करते ना उस तरह भी आप कर सकते हो। असल में मुझे यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो ये जो 3 चीजें ना ये आपको क्वेश्चन बताती हैं। मतलब अगर आप देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 3x² - 5x + 6 है। तो जब मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा ना तो अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। एक रूट तो मुझे पहले ही पता था, 2 को इधर ले आओ, एक रूट था x-2 और दूसरा मैंने जो कोशेंट है ये निकाल लिया। अगर आप चाहो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यही पॉलिनोमियल आ रहा होगा। तो ये डिवीजन किसी कोई भी एक्सप्रेशन है ना, आपको अगर एक रूट पता चल जाए तो आप सिंथेटिक डिवीजन से कर सकते हो कि ये जो पीछे रिमेनिंग आता है ना
इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस टू से तो आपके पास ओरिजिनल पॉलिनोमियल आ रहा होता है। तो इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास है, x माइनस टू को जीरो के बराबर रखूंगा तो x की वैल्यू 2 आ रही है। अगर बाकी रूट निकाल लें तो मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो होगा क्या, वही आपके पास इमेजिनरी आ रहे होंगे, बी स्क्वायर यहां पर क्या 25 माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाय 2 ए मतलब 6 हो जाएगा। तो सॉल्व करो 5 प्लस माइनस 4 को 3 से करो 12, 12 को 6 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 72। तो 25 माइनस 72 जो है ये आई गेस 47 हो जाएगा, माइनस 47 यही होगा ना, 25 माइनस 72 67 57 47 हाँ, और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन आपके पास आएगा 5 प्लस माइनस आयोटा रूट 47 आयोटा अपॉन 6। तो अगर आप ये देखो सॉल्यूशन जो आपके पास कॉम्प्लेक्स आए हैं, ये दो आपके पास रूट्स आ गए, एक रूट है 5 प्लस रूट 47 आयोटा अपॉन 6, एक है 5 माइनस रूट 47 आयोटा अपॉन 6। तो दो आए लेकिन कॉन्जुगेट की फॉर्म में आए, ये कभी अकेले नहीं आएंगे, एज फार एज आपकी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है अगर वो रियल है तो ये कभी अकेले नहीं आएंगे। तो ये बात भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। उसके बाद आ जाओ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने आपस में ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होता है, बेसिक बातें तो आप लोगों को पता होंगी, बस रिवाइज कर लेते हैं उसको। जब भी आप किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपने सिंपल क्या करना होता है, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एडिशन की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 4 आयोटा फॉर एग्जाम्पल। अगर आपको बोला जाए यार इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करो तो आप 2 को ऐड करोगे 1 के अंदर, ये 3 हो जाएगा, 3 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करो माइनस 4 से माइनस आयोटा। तो रियल को आपस में ऐड करोगे और कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी को आपस में ऐड करोगे। ये काम अगर आपको सब्ट्रैक्ट का बोल दिया जाए तब भी आप ये काम करोगे, आप क्या करोगे 2 माइनस 1 क्या होता है 1 के बराबर, 3 आयोटा माइनस माइनस पॉजिटिव तो ये हो जाएगा 7 आयोटा। तो ऐड एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर परफॉर्म करते हैं। रही बात के मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करते हो जैसे आप दो बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते थे, वही काम हम यहां पे करेंगे। फॉर एग्जांपल इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो तरीके होते हैं, एक तो इनके फॉर्मूले भी बनाए हैं, वो फॉर्मूले अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ उससे भी आ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो जैसे आपने सीखा है 2 प्लस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 4 आयोटा से, तो 2 को 1 से करो पहले 2 आएगा, 2 को माइनस 4 से करो माइनस 8 आयोटा, 3 आयोटा को 1 से करो 3 आयोटा, और 3 आयोटा को माइनस 4 से करोगे तो माइनस 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आप लोगों को पता है माइनस 1 होता है, माइनस 1 को माइनस 12 से करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 प्लस 12 रियल को एक साथ लिख लिया और जो इमेजिनरी है इनको एक साथ लिख लिया तो सिंपल हो जाएगा 14 माइनस 5 आयोटा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो, फॉर्मुला में लिखवा देता हूं, इसका फॉर्मुला भी होता है, अगर आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर लो ना इस तरह, फॉर एग्जांपल इसको आप किस तरह लिखोगे, इसको लिखोगे 2.3, इसको लिखोगे 1.-4, और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो फॉर्मुला इसके लिए यूज करते हैं एसी माइनस बीडी और एडी प्लस बीसी, ये फॉर्मुला होता है। तो आप बस क्या करो, आपको ए बी सी डी पता होना चाहिए, इवन आप ऑर्डर्ड पेयर में ना भी कन्वर्ट करो तो आपको पता है ए 2 है, बी 3 है, सी 1 है, डी माइनस 4 है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने से पहले वही कॉन्जुगेट आपको आना चाहिए, ये कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसे तो कॉन्जुगेट ही होता है, अगर आपके पास दो टर्म है तो साइन चेंज कर दो दरम्यान वाली टर्म का, मतलब दरम्यान का जो साइन है वो चेंज कर दो, जो आपके पास आएगा वो कॉन्जुगेट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब इसका यह है कि जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है ना उसका आपने साइन चेंज करना है, अगर ए प्लस बी आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा ए माइनस बी आयोटा, और कॉन्जुगेट का सिंबल क्या है कि आप ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बार लगाई हुई होती है आपने। तो अगर कॉन्जुगेट आपको समझ आ गया है तो इसके बाद डिवीजन होती है, डिवीजन आप समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना है, जैसे एग्जाम्पल ले लो 2 प्लस 3 आयोटा है और 1 माइनस 4 आयोटा है, तो जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करते हो तो सिंप्लीफिकेशन के लिए डिनोमिनेटर में आयोटा तंग करना होता है आपको, तो किसी तरह आपको डिनोमिनेटर से इमेजिनरी नंबर को हटाना पड़ेगा, जस्ट अगर रियल हो तो आप आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। और उसको हटाओगे कैसे, आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लोगे,
डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट 1 प्लस 4 आयोटा है, उस कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। याद रखो ये प्रॉपर्टी मैं अब आप लोगों को थोड़ी देर बाद करवाऊंगा, कॉन्जुगेट और मॉडुलस हम पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में आपके पास क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो वही काम कर सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका कॉन्जुगेट है, तो डिनोमिनेटर तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कैसे, रियल पार्ट क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है -4 लो या 4 लो, बात एक ही है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो हम 4 का स्क्वायर ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमिनेटर में वैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, उसको वैसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा ऊपर एग्जाम्पल कुछ और ली थी, नहीं वो खैर अलग चीज है। अच्छा तो ये हो जाएगा 12 आयोटा स्क्वायर। तो बस आपने सॉल्व करना है, ऊपर अगर आप देखो तो ये क्या हो सकता है, आयोटा माइनस 12 हो जाएगा ना, 2 माइनस 12 क्या होता है -10, ये हो जाएगा प्लस 11 आयोटा, और डिनोमिनेटर नीचे क्या हो जाएगा 17। अब आप क्या करोगे, आसानी से एलसीएम ब्रेक कर दो, -10/17 और 11/17 आयोटा। तो रियल पार्ट क्या है -10/17, इमेजिनरी पार्ट क्या 11/17 आयोटा। यही सिंप्लीफिकेशन आपको चाहिए थी, तभी आपने डिनोमिनेटर से इस आयोटा को हटाया है। और अगर डिनोमिनेटर में जस्ट इमेजनरी पार्ट इमेजनरी नंबर ही लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, मतलब रियल और इमेजनरी दोनों नहीं है, जस्ट इमेजनरी लिखा हुआ है, तो फिर आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये एक एग्जाम्पल दी, अगर आपको डिवाइड करना हो, कंसिडर कर लो 2+3 आयोटा को डिवाइड, फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा से हम कर रहे हैं, अगर तो जस्ट 2 से डिवाइड करते फिर तो एलसीएम ब्रेक करते डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता, अगर 2 आयोटा से डिवाइड कर रहे हैं तो अब आप आयोटा को कैसे हटाओगे, आप कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, एक ही टर्म है, तो आप इस टर्म को भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, कॉन्जुगेट निकाल लो, फिर भी सेंस बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह समझ लो और कॉन्जुगेट निकालो इसका, तो आप -2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लेकिन जरूरत नहीं है, आप जस्ट आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर दोगे आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नीचे क्या होगा आयोटा का, जब इस आयोटा से करोगे आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो नीचे जस्ट -2 बच जाएगा। ऊपर आप सिंप्लीफिकेशन कर लेना, फिर एलसीएम ब्रेक करना, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रियल अलग इमेजनरी अलग। तो बच्चे कुछ बेसिक ऑपरेशन होते हैं, यहीं पर हम पढ़ लेते हैं मॉडुलस भी। मॉडुलस क्या होता है भाई, मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि अगर आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर उसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो और फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो उसको आप क्या कहते हो, मॉडुलस। लिखने का वही तरीका होता है जैसे आप नॉर्मली लिखते हो इसको, और क्योंकि अभी आप नेक्स्ट कुछ देर बाद आप पढ़ोगे आने वाले लेक्चर्स में कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ वेक्टर हम देख रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, तो अगर उस सेंस में आप बात करो तो ये जो मॉडुलस है ना, ये आपको मैग्नीट्यूड देता है वेक्टर का, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था ना, इसी तरह यहां पे फॉर एग्जांपल अगर आप डायग्राम बनाओ ना, तो कंसीडर कर लो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे है, तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हो ना, तो आपको ये पूरा डिस्टेंस मिलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से कितना दूर है, तो अगर आप एज अ वेक्टर कंसीडर करो तो आपको इस वेक्टर की पूरी मैग्नीट्यूड पूरी लेंथ मिल जाती है। तो अगर उस फॉर्म में आप देखो तो ये मॉडुलस जो है ये आपको वो लेंथ देता है, डिस्टेंस देता है, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से जितना दूर है, ये मॉडुलस आपको वो दे रहा होता है, ठीक है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी, अच्छा एक और ऑपरेशन भी होते हैं, एक इनवर्स के ऑपरेशन भी होते हैं, आइडेंटिटी भी होता है, जैसे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो तो दो किस्म की आइडेंटिटी होती है ना, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0+0 आयोटा, और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1+0 आयोटा। और अगर आप इनवर्स की बात करो तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है -A - B, जो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा उसका। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, इसी तरह डिवीजन का भी फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने मल्टीप्लीकेशन का बताया ना, डिवीजन का भी एक ऐसा फॉर्मूला होता है, अगर आप मैं लिखवा देता हूं, डिवीजन का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल A, B डिवाइडेड बाय C, D, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, जो आपने मल्टीप्लीकेशन का पढ़ा ना, बस साइन चेंज कर दो, आपने पढ़ा था AC - BD इसको कर दो AC + BD, फिर आपने पढ़ा था AD + BC इसको इस तरह पढ़ लो BC + AD, क्योंकि यहां पे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता लेकिन यहां पे करता है, तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, बस साइन चेंज कर देना उसके, और डिनोमिनेटर में क्या आता है C² + D², तो अगर आप डिवीजन बाई यूजिंग फॉर्मूला करो तो ये फॉर्मूला यूज करके डिवीजन कर सकते हो। इसी तरह अगर आप इनवर्स की बात करो और उसमें भी हम
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। तो दो तरीके से अगेन आप इनवर्स निकाल सकते हो। एक तो वही तरीका है जो आप नॉर्मली रियल नंबर में इनवर्स निकालते थे कि रेसिप्रोकल कर लिया करते थे, कि फॉर एग्जांपल अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 iota और आपको बोला जा रहा है इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो आप रेसिप्रोकल कर दो इसको, मतलब 1/2+3 iota। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन का वही तरीका है जैसे आप डिविजन में देखा था, कि आप इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करके आप कर सकते हो इसको। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या, फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो। तो फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिखवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी का अगर आपने निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। जैसे अगर आपने इसका निकालना था ए टू है बी थ्री है, आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ये निकालना चाहिए ये भी हो जाएगा। अच्छा, कुछ जो आपने कॉन्जुगेट और मॉडुलस पढ़ा है इनकी कुछ मशहूर प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मशहूर प्रॉपर्टी जो मुझे याद है अभी जो आपको काम आती है, एक तो ये प्रॉपर्टी थी कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में क्या आता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और अगर आप इसमें देखो और मॉडुलस के फॉर्मूले में देखो तो फर्क सिर्फ रूट का है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट इसके बराबर होता है स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, क्योंकि जब आप मॉडुलस का स्क्वायर करते हो ना तो ये रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहां पे मौजूद है ना। तो हम ये भी कहते हैं कि जेड मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, या दूसरी लैंग्वेज में आप लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की भी देख लेते हैं साथ ही, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपने किसी दो नंबर, फॉर एग्जाम्पल दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका आपने कॉन्जुगेट निकाला है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप ये बराबर है कि आप दोनों का अलग अलग निकालो, एक ही बात होगी। सेम चीज जो है मैं लिख देता हूं डिवीजन के अंदर भी यही है, ठीक है। सेम चीज जो है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर एड हो रहे हैं और उनका आपने कॉन्जुगेट लेना है, ये बराबर है कि आप अलग अलग कॉन्जुगेट लो और फिर एड करो। सेम चीज सब्ट्रैक्शन के अंदर भी होती है। तो ये भी कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, फिर ये होता है बिलफर्ज अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करना है तो क्या होगा। देखो, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करते हो तो इमेजिनरी नंबर कैंसिल हो जाता है तो जस्ट रियल बच जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, अगर आप प्रॉपर नोटेशन यूज कर रहे हो तो जब ऐड करोगे तो आंसर होगा 2a, लेकिन कहने का मकसद है प्योर रियल आ रहा होता है यहाँ पे जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करते हो। और अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, जब मैं z माइनस जेड कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरे पास a और माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, b आयोटा और d आयोटा ये हो जाएगा 2b आयोटा। तो कहने का मतलब मुझे प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट करूंगा। बहुत ही मशहूर चीजें हैं ये, आपको पता होना चाहिए यहां से। अच्छा, यहां से a और b के फॉर्मूले भी निकाले हैं। अगर आप यहां से a का फॉर्मूला निकालो तो a का फॉर्मूला होगा z प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2, और अगर आप b का फॉर्मूला निकालो तो b का फॉर्मूला z माइनस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2 iota, मतलब रियल पार्ट इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो रियल पार्ट होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का a, या आप दूसरी फॉर्म में उसको x ले लो, उसको इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप इस तरह लिख सकते हो, और b को आप इस तरह लिख सकते हो जो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम ये फॉर्मूले में लिख सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इस तरह मॉडुलस की अगर आप बात करो तो ये वाली प्रॉपर्टी तो मॉडुलस के अंदर भी होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका आपको मॉड लेना है तो आप अलग अलग दोनों का मॉड लो फिर मल्टीप्लाई कर दो। सेम प्रॉपर्टी डिविजन के अंदर भी होती है। एडिशन के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती मॉडुलस की, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। वो प्रॉपर्टी क्या है यहां पे देख लेते हैं, इतनी काम की चीजें नहीं है। वो प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या कहते हैं, फिफ्थ लिखवा देता हूं, इसको आप कहते हो ट्राइंगल इनइक्वालिटी। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करो Z2 के, ये लेस होगा Z1 प्लस Z2 का, फिर आप मॉड लो और ये लेस है कि आप Z1 का मॉड को ऐड कर दो Z2 के मॉड में। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसको हाफ ऑफ करके भी पूछा जाता है कि ये चीज किससे लेस होती है, ये चीज से लेस होती है, ये चीज किससे ग्रेटर होती है, ये चीज से ग्रेटर होती है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं इंटरमीडिएट लेवल की, आप थोड़ा खुद सर्च करो तो मजीद आप लोगों को बातें क्लियर हो जाएंगी। और मॉडुलस के अंदर ये होता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो
या उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालो, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके, ये भी लिखवा देता हूं, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया या उसका कॉन्जुगेट हो गया, इन दोनों का मॉडुलस सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। बेशक आप कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तब भी मॉडुलस सेम रहेगा, अगर आप उसके कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करो तब भी मॉडुलस सेम रहेगा, मॉडुलस को इन किसी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी भी थी कि z की पावर n का मॉडुलस ये बराबर है z मॉडुलस की पावर n। अब ये काम करना थोड़ा मुश्किल है कि आप z की कोई पावर निकालो, पावर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर मॉड लो, बेहतर है कि आप पहले मॉड ले लो, आपके पास कोई नंबर आएगा उसकी पावर n ले लो, तो ये थोड़ा इजी आपको लग जाएगा। बाकी अगर आप गूगल पे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट तो आपको आसानी से मिल जाएगी, वहां पे भी आप लोग देख सकते हो। तो ऑपरेशन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, बेसिक बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता दिए, इनवर्स आइडेंटिटी हर चीज बता दिए। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम, ये बेसिक सा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो डिफरेंट फॉर्म्स है कॉम्प्लेक्स नंबर की, पोलर और ऑयलर फॉर्म, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको देख लेंगे, आर्गुमेंट से रिलेटेड कुछ बातें कर लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।